पहले से जताई जा रही थी, बारिश हुई तो बात सच निकली। थोड़ी देर की बारिश में ही पटना के ड्रेनेज सिस्टम की पोल पट्टी खुल गई। अब पोल खुल गई तो सरकार की तरफ से सफाई दी गई है कि इस साल पानी की समस्या को बर्दाश्त कर लीजिए, अगले साल ये ठीक हो जाएगी। बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की खोली पोल, कुछ घंटे की बारिश और सड़कें गई डूब। पटना में जल जमाव से निपटने में लगेंगे एक साल। जी हाँ, पटना शहरवासियों को जल जमाव से निजात दिलाने में एक साल लगेंगे। यानी इस साल भी भारी बारिश हुई तो तय है कि पटना के कई घरों में पानी भरा रहेगा, या यूं कहिए कि पटना डूब जाएगा। हम समझते हैं कि थोड़ा दिक्कत पहले से सुविधा हुई है, लेकिन और इसकी सुविधा हो जाएगी एक साल के अंदर में। नाला से पानी शहर में रुकने की जो रुक जाती है वो नहीं रुकेगी। दरअसल अभी मॉनसून की बारिश शुरू हुई है और शुरुआती बारिश में ही ड्रेनेज सिस्टम की पोल पट्टी खुल गई, सड़कों पर पानी भर गया और इस जल जमाव को लेकर नगर विकास मंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया है कि एक साल और पानी में गुजार लीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वैसे ऐसा ही भरोसा पिछली बार भी मिला था, तो इस बार भी भरोसे से जनता को काम चलाना होगा। हर साल कहते हैं कि एक साल इंतजार करिए, पिछले सत्र में उन्होंने कहा था, मेरा ही प्रश्न था। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि 14 साल से सीएम है और पटना राजधानी है, यहाँ सीवरेज सिस्टम आप ठीक नहीं कर पाए। थोड़ी भी बारिश होती है तो जल जमाव घुटने पर होता है और पीएमसीएच एनएमसीएच जैसे अस्पतालों के अंदर पानी घुस जाता है। पटना में जल भराव की समस्या पर सियासी घमासान मचा हुआ है। नगर विकास मंत्री एक साल का वक्त मांग रहे हैं, लेकिन क्या भरोसा कि अगले साल ये स्थिति ना हो। लेकिन वर्तमान तो आम लोगों को यह बता दिया गया कि इस बार कुछ नहीं किया जा सकता है। बारिश होगी, घर में पानी भरेगा और इस समस्या से आपको जूझना होगा। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया पटना। पटना में जल जमाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस समस्या को लेकर सरकार को घेरा है। देखिए, जल जमाव की स्थिति बस से बदतर स्थिति बनी हुई है और हम लोगों ने आईना भी दिखाया है और नगर विकास मंत्री से बराबर जो है कि हम लोगों ने और अब सदन में हमने हो हल्ला भी किया है और पूरे आईना दिखाने का काम किया है कि किस तरीका के सड़कों का पूरे पटना बारिश से किस लबालब हो चुका है, फिर भी नगर विकास मंत्री ने इस पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया, इसलिए हम लोग सदन का वॉकआउट करने का काम किया है। पटना की स्थिति पूरे नारकीय बनी हुई है, निकम्मी सरकार है, सरकार पूरे फेल है, कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो पूर्व में की तैयारी है। जो पटना को पेरिस और भागलपुर को मैनचेस्टर बनाने वाला भारत सरकार में बैठे हुए हैं, चारों तरफ जाम हो गया, सभी नाले बंद हो गए, जल जमाव की इतनी बुरी स्थिति है। तो जब राजधानी का ये आलम है तो हमारे ज़िले के जो मुख्यालय हैं, हमारे जो छोटे छोटे कस्बाई शहर और बाज़ार हैं, उनकी कितनी नारकीय स्थिति है ये देखने के लायक है। पटना की स्थिति जो है, ये स्मार्ट सिटी का और ये सब का जो सपना है परिलक्षित है, ये हम लोग भी सपना देखते हैं कि साला ये जो जल जमाव है हम लोग का, इससे हम लोग ये सपना नहीं दे सकते हैं कि आने वाला समय में स्मार्ट सिटी भी बनेगा तो ये वाटर का जो लॉगिंग है, कॉलोनियों का वाटर लॉगिंग है, उसका समाप्त होने वाला। और सरकार जो अभी प्रतिवेदन प्रेस की है उसमें कोई ठोस वक्तव्य नहीं है सरकार का।